बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब के भी इंतखाबात में ताखीर, बड़े केस की बड़ी समाअत आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट का नो रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सदर मुमलिकत और विफाकी हुकूमत को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को भी हाजिर होने का हुक्म जारी। पहली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाजे किया है कि इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुकता देखना है। पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, सदर और हुकूमत सबको जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच असखुद नोटिस केस की आज दोबारा समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, कौमी हुकूमत और सदर को हाजिर होने का हुक्म। बड़ी पार्लिमानी जमातों को भी बुला लिया गया। पहली समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 2 टोक पैगाम, कहा आईन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त गुजर रहा है मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इरादा रखते हैं कि सबको सुने लेकिन समाअत लंबी नहीं करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा, देखना है असम्बलियाँ दुरुस्त तहलील हुई या नहीं। जस्टिस मंसूर ने कहा, हो सकता है अदालत असम्बलियाँ ही इस नुक्ते पे बहल कर दे। अटॉर्नी जनरल ने पीर तक वक्त देने की इस्तिदा की। चीफ जस्टिस ने वाजे किया, समाअत लंबी नहीं करेंगे, अगली समाअत में हम चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।